हम अभी खड़े हैं भागलपुर के मायागंज अस्पताल में, और हमारे पीछे जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस गाड़ी में मुंगेर के दो कोरोना के कथित रूप से पॉजिटिव मरीज बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, कथित तौर पर ये जो है पॉजिटिव बताया जा रहा है। और इस एम्बुलेंस में जो है दो जो कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं, इसमें से माँ बेटी बताया जा रहा है, ये दोनों माँ बेटी हैं। और इसे जो है मुंगेर से यहाँ पर जो है भागलपुर के मायागंज अस्पताल में लाया गया है, और तकरीबन कई घंटों से ये एम्बुलेंस गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, और इसका जो है कोई सूद लेने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं जो है ये गाड़ी आइसोलेशन वार्ड को वहाँ से जो है जहाँ पर आइसोलेशन वार्ड था वहाँ से हटाकर नई जगह पर शिफ्ट की गई है। और ये आइसोलेशन वार्ड की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मायागंज अस्पताल के जो है परसुता विभाग परसुता वार्ड उसके पीछे शिफ्ट किया गया है आइसोलेशन वार्ड को। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र से कोरोना के संदिग्ध मरीज मायागंज अस्पताल पहुँचते हैं या फिर उसको लाया जाता है तो तकरीबन यहाँ पर जो है कई घंटों तक जब एम्बुलेंस गाड़ी खड़ी रहती है उसका सूद लेने वाला कोई नहीं होता है। हालांकि आप देख सकते हैं लगभग कई घंटों के इंतज़ार के बाद जो है अभी तक भी ये एम्बुलेंस गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, और ये मुंगेर से जो है इनको लाया गया है, मुंगेर के से यहाँ पर जो है लाया गया है। लेकिन यहाँ पर अस्पताल में पिछले तकरीबन 1.5-2 घंटे से ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, और इसका जो है कोई सूद लेने वाला नहीं है। मरीज़ जो है उसको एडमिट करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ विभाग जो है आइसोलेशन वार्ड को हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट करने से नहीं होगा, और इसका जो है सूद लेने वाला भी होना चाहिए। ऐसे मरीजों को तुरंत जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, सिर्फ वार्ड को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने से कुछ नहीं हो सकता। अब इस हम चाहेंगे कैमरामैन को कि आप इस गाड़ी को दिखाएं, और मैं चाहूँगा बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर बात हो जाती है तो हालाँकि सर कहाँ से आए हुए हैं? मुंगेर सदर हॉस्पिटल से आए हैं। लिखे दोनों का कि यहाँ पे सर कितने दिनों से कितने देर से आप खड़े हुए हैं? यहाँ लगभग 5 घंटा से खड़े हैं। 5 घंटा से खड़े हुए हैं। तो क्या परेशानी क्या रही है? परेशानी यही है कि हमको एडमिट पेशेंट को पॉजिटिव है, एडमिट कहाँ ले रहा है। हम लोग परेशानी भी, हम लोग भी तो रास्ता में भूखे प्यास आए हुए हैं। यहाँ पे कोई नहीं आपको? हम बात किए कि बोला कि 10 मिनट करते करते 5 घंटा हो चुकी है, और अभी तक कोई चीज इसका निकरण नहीं हुआ है। कोई सूद लेने वाला नहीं है। पेशेंट पॉजिटिव हो जाने के बाद? तो पेशेंट पॉजिटिव है? जी सर पॉजिटिव है। हमको तो हॉस्पिटल से कंफर्म, हॉस्पिटल से हमको कंफर्म मिला है पॉजिटिव है। कौन से हॉस्पिटल से सर? मुंगेर सदर हॉस्पिटल से। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं अब तो खैर मुंगेर सदर हॉस्पिटल से मरीजों की पुष्टि भी हो चुकी है कि ये पॉजिटिव हैं, और उसके बावजूद भी ये जो मायागंज अस्पताल के जो कर्मी हैं, विभाग हैं, जो यहाँ के प्रबंधन है, आखिर क्यों सो रहे हैं, आखिर कब वो जागेंगे? सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतनी बड़ी ये त्रासदी है, इसको जो है महामारी घोषित कर दिया गया है सरकार के द्वारा, फिर भी जो है लोग यहाँ पर जो विभाग है, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल प्रबंधक हैं, वो इनका सूद क्यों नहीं ले रहे हैं, वो कब जागरूक होंगे? बताया कि जो है मुंगेर से आने के बाद यहाँ पर इनको बोला जा रहा है कि 10 मिनट करके करते इनके साथ 1-1.5 घंटे का समय हो गया, और अभी तक भी ये एम्बुलेंस गाड़ी खड़ी है, और इसके अंदर जो है कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं, और वो आपस में माँ बेटी हैं, और फिर भी यहाँ पर जो है प्रशासन जो है सजग नहीं है। और इससे पहले सिल्क टीवी जब ये खबरें दिखाया गया, सिल्क टीवी के द्वारा खबरें दिखाया गया था कि आइसोलेशन वार्ड की स्थिति सही नहीं है, तो आइसोलेशन वार्ड को जो है बदलकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, लेकिन मरीजों की परेशानी जो है अभी तक भी कम नहीं हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो है भागलपुर मायागंज अस्पताल प्रबंधक आखिर कब जो है जागती है, जो है कुंभकर्ण की नींद उनकी जो है कब टूटती है, ये अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल सिल्क टीवी के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट, भागलपुर।